Subscribe to my channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों ये है कंक्लूजन वीडियो वो तीनों लाइन टू लाइन ब्लॉक्स की। बेसिकली दोस्तों मैं गया था जम्मू कश्मीर, जम्मू गया था, कश्मीर अलग है, जम्मू गया था मैं दोस्तों। जम्मू में कटरा गया था। जैसे अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कटरा दोस्तों बेसिकली जम्मू के लाइक जम्मू नीचे एक सिटी है और उसके बाद जो है दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ आते हैं, तो पहाड़ों के ऊपर कहीं पे कटरा बसा हुआ एक सिटी है। वो भी वैष्णो देवी गया था मैं घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ, फैमिली ट्रिप पे गया था। यहाँ पे वैष्णो देवी का अगर आपको नहीं पता स्टोरी, वैसे बहुत लोग सबको पता होगा, लेकिन अगर आप दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आप यूट्यूब पे आके सर्च कर सकते हैं, कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग जगह है। बेसिकली आपको जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और जो भी मैंने बताया जर्नी में उसको जो है कंक्लूड करके आपको बताने वाला हूँ। तो पहला मैं यहाँ से मुंबई से गया था, फ्लाइट में गया था और वहाँ पे जाके जम्मू उतरा, फिर जम्मू से हम गए कटरा, कटरा बाय रोड गए। लाइक आप वहाँ पे जाके पोस्टपेड प्रीपेड टैक्सी बुक कर सकते हैं या अपने हिसाब से जो है आप जो भी बस में जा सकते हैं, कटरा तक जा सकते हैं, कटरा सबको पता है होगा। उसके बाद वहाँ से आप क्या करना कि वहाँ से आपके 4 से 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे, मतलब आपको जो है कटरा सिटी है। और अगर दोस्तों आपको जब वैष्णो माता के जब दर्शन करने जाना है तो वहाँ पे आपको जाने के लिए 4 से 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वहाँ पे मैं लाइन्स आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो सबसे इजी है, सबसे कंफर्टेबल है और थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, आपको एक अच्छा सफ़र का मज़ा जो बोलते ना वैसा देने वाला, वो होगा हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं, उसकी प्राइस कुछ अराउंड 1300 आसपास कुछ होगी, 300 से कम, लेकिन 1300 पकड़ के चल लो। तो उसके बाद आपको एक दूसरा मिलेगा, वो मिलेगा आपको पोनीस का, पोनी हॉर्सेस, ये आप इसमें राइडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपके पालकी, जो जहाँ पे 4 लोग होंगे, 2 आगे 2 पीछे, और आप बेसिकली बैठेंगे, एक ही जन बैठ सकता है, वो पालकी होगी। उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक और इलेक्ट्रिक रिक्शास मिल जाएंगे, वो आपको अच्छी तरीके से पहुंचा सकते हैं। उसके बाद और भी कई सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे हर साल नए नए जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक और अपडेट है कि यहाँ पे अगले साल से या तो फिर उसके अगले साल से यहाँ पे जो है एक आने वाला है दोस्तों केबल कार। तो यहाँ पे आप केबल कार से भी डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली 4 वो होते हैं, पहला होता है दोस्तों बाण गंगा, और जहाँ पे मतलब एक रिवर है, अब देखिए जहाँ पे देख सकते हैं बाण गंगा है। उसके बाद एक है दोस्तों मेन अर्धकुमारी है, और उसके बाद दोस्तों वैष्णो माता का मंदिर भवन है। उसके बाद आप जा सकते हैं भैरवनाथ, सबसे टॉप पे भैरव है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर में आप एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप हेलीकॉप्टर में जाइए तो आप डायरेक्ट भवन उतरेंगे, भवन का दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद आप हॉर्स या कुछ भी पैदल जैसे भी होगा आप ऊपर जा सकते हैं भैरव तक, फिर भैरव से आप आ सकते हैं नीचे हॉर्स से आप आ सकते हैं, फिर नीचे आप अर्धकुमारी के दर्शन करो, फिर बाणगंगा के दर्शन करो, ऐसे करके आप आ सकते हैं। उसके बाद ये सब तो थे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वॉकिंग तो समझ आएगा ना, वॉकिंग भी है, आप वॉकिंग भी थ्रू आप ऊपर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जाने की। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड डे पे ये हम लोगों ने किया था भवन वाला सारे। उसके बाद आप जाके स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप सारे ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं या अपने मन का जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से। काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा कंप्लेन नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कई सारे होटल्स ही हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम लोग ने थर्ड डे पे थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा घूमा। हम लोग गए थे AMR मल्टीप्लेक्स, जहाँ पे हम लोगों ने मूवी देखी टाइगर जिंदा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ कोई वहाँ पे वो नहीं है कि स्काई डाइविंग, वो सब कुछ नहीं है, बस आप जो वहाँ पे जाके घूम सकते हैं। काफ़ी टेम्पल्स हैं वहाँ पे, आप जम्मू उतर सकते हैं, जम्मू में जाके बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जम्मू को। और उसके बाद हम वापस आ गए फोर्थ डे पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो थीम जो मुझे लगा कि आपको कंक्लूजन बतानी चाहिए। तो अगर आपको दूसरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दो, क्योंकि अगला वीडियो जब आएगा तब खुशी होगी थोड़ी सी आपको हमको। ओके, तो
अच्छे आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।